हेलो फ्रेंड्स, आप सभी व्यूअर का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि पिटूनिया फ्लावर प्लांट की समर सीजन में किस प्रकार से केयर करें। ये मुख्य रूप से विंटर सीजन के प्लांट हैं। अगर आप इस पर थोड़ा सा केयर करते हैं तो ये प्लांट आपके सालों सालों भर आपके गार्डन में नजर आएंगे और इसमें फूल भी ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। अभी देखिए, इसमें गर्मियों में भी देखिए कितनी मात्रा में इसमें फूल आ रहे हैं या कितनी मात्रा में वर्ड्स भी लगे हुए हैं, देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पिटूनिया फ्लावर प्लांट को जहां भी लगा रखे हैं, अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखे हैं तो कोशिश करें डायरेक्ट सनलाइट से हटाकर आप वैसी जगह का लोकेशन दें जहां पर इवनिंग और मॉर्निंग की सनलाइट आती हो। इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में ये प्लांट मर जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, इसलिए इस बातों का ध्यान दें। मैं भी इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में विंटर में रखी थी, लेकिन जैसे ही गर्मियां समर सीजन स्टार्ट हुए मैं इसे हैंगिंग बास्केट में इंडोर में लगा रखी जहां पर इवनिंग की धूप आती है। इसके बाद फ्रेंड्स, गर्मियों में पिटूनिया फ्लावर प्लांट के लिए जो प्रॉब्लम मैं नोटिस की हूँ, ये पानी की कमी के कारण ये प्लांट झुक जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप पानी की कमी ना होने दें इस प्लांट के लिए। आप क्या करें, कम से कम गर्मियों में एक टाइम मॉर्निंग में आप इसे पानी जरूर दें क्योंकि पानी की कमी के कारण इसके फूल भी झुक जाते हैं और इसके पत्ते भी मुरझा जाते हैं। इसलिए आप वाटरिंग करें, ओवर वाटरिंग ना करें। ओवर वाटरिंग आप कर भी रहे हैं तो आप जो भी हैंगिंग बास्केट चाहे पॉट में पिटूनिया फ्लावर प्लांट को लगा रखे हैं तो उसके ड्रेनेज होल आप अच्छा रखें, जिससे आपके ये फायदे होंगे, आपके एक्स्ट्रा पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स, पिटूनिया फ्लावर प्लांट के लिए जो जरूरी बातें हैं, फर्टिलाइजर, क्योंकि इसमें देखे जा सकते हैं हेवी मात्रा में फ्लावर आते हैं गुच्छों में, तो इसे हेवी मात्रा में फर्टिलाइजर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो गर्मियों में अगर आप ज्यादा फर्टिलाइजर करते हैं तो आपके प्लांट भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप 15 दिन में गोबर की खाद डालें। अगर आप केमिकल में डालना चाह रहे हैं तो आप मंथ में आप डाल सकते हैं 2-3 दाने, ज्यादा नहीं। डीएपी या एनपीके भी आप डाल सकते हैं, या फिर आप कोशिश करें गोबर की खाद ही डालिए। इतने में ही आपके फ्लावर देखिए गुच्छों में फूल देंगे और आपके प्लांट भी हेल्दी रहेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप चाह रहे हैं कि गर्मियों में भी आपके फ्लावर गुच्छों में आए, फूल के साइज भी अच्छे आए, देखिए, तो फ्रेंड्स आप इसे सूखे फ्लावर, जहां से भी सूखे फ्लावर हो आप हटाते रहें। देखिए इस तरह के अगर ये फ्लावर सूख जाते हैं, सूखे फ्लावर देखिए, इस तरह के सूखे फ्लावर आप इसे हटाते रहें। और कभी कभी ये सूखे पत्ते को भी देखिए इस तरह से आप हटाते रहें, देखिए इसके पत्ते भी कभी कभी सूख जाते हैं, देखिए इस तरह के आप हटाते रहें। हमेशा अपने प्लांट की पिंचिंग करते रहें, देखिए, और जहां से भी ये सीड बन जा रहे हैं, सूख जा रहे हैं, इस सीड को हटा लें, देखिए इस तरह से, देखिए मेरे सीड ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, तो क्या करें, यहां से आप इसे पिंचिंग कर लें, देखिए, और ये मेरे सीड भी निकल जाएंगे। और देखिए यहां से पिंचिंग करने से आपके ये फायदे होंगे कि वहां से बहुत सारे ब्रांच निकलेंगे, देखिए कितने सारे सीड ऑलरेडी सूख चुके हैं। जहां से भी ये सूख जाए यहां से आप पिंचिंग कर दें, जिससे आपके नए बहुत सारे ब्रांच आएंगे। अब बहुत सारे ब्रांच आएंगे तो बहुत सारे मात्रा में फूल देखने को मिलेंगे। तो देखिए इतने से अगर आप केयर करते हैं पिटूनिया फ्लावर प्लांट में तो आपके फ्लावर प्लांट गर्मियों में भी बहुत सारे मात्रा में फूल देंगे और आपके प्लांट हेल्दी भी रहेंगे।
थैंक यू।